रहा है, लेकिन आकाश में देवता बैठे हैं, वो सब जान रहे हैं कि ये दुष्ट दुर्मले के जो माता पवन रेखा को चलने आया है। देवता आपस में बात करते हैं कि सब होनहार है और जो होनहार है वही होकर रहेगा, कहते हैं ना। होनी है होनी पति राक्षस। ये वही दुर्मलिक है जो उस त्रेता युग में काल नेमी नाम का राक्षस बना था, वही काल नेमी अब यहाँ द्वापर युग में दुर्मलिक बनकर आया है पवन रेखा को छल करने के लिए। दुर्मलिक ने उग्रसेन का रूप बनाया, पवन रेखा से अनेक प्रकार की बातें बोला, पवन रेखा समझ नहीं पाई कि ये मेरे स्वामी हैं या कोई राक्षस है। उस दुर्मलिक राक्षस ने उग्रसेन का रूप रख के पवन रेखा के साथ छल किया, और जब छल किया तो कुछ समय बाद पवन रेखा को समझ आया कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो कोई दुष्ट है, ये तो कोई और है। जैसे ही पता चला, पवन रेखा झट से दूर हो गई, चिल्ला कर कहने लगी, अरे दुष्ट, अरे नीच, तूने मेरे साथ बड़ा बुरा कर दिया। अरे दुष्ट, तूने मेरे पति व्रत धर्म को खराब किया है, तूने अच्छा नहीं किया, इतना नीच हो गया तू, भाग जा यहाँ से, नीच चला जा। जब रानी पवन रेखा इस प्रकार कहने लगी कि तूने मेरे साथ छल किया, अरे दुष्ट भाग जा नीच, तो ये सुनकर दुर्मलिक हंसने लगा और हंसकर अपने रूप में आ गया। कहने लगा, अरे पवन रेखा, तेरे अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, देख अब मेरी ही वजह से तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भले ही वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं को प्रताड़ित करेगा, मारेगा पीटेगा, लेकिन फिर भी वो बहुत बलवान होगा, बहुत बलवान होगा। वो दुर्मलिक इतनी बात कहकर वहां से चला गया। अब पवन रेखा चुपचाप वहीं खड़ी है, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। इतने में ही पवन रेखा की सारी सखियां वहां पर आ गईं। सखियों ने बात पूछी, लेकिन पवन रेखा ने किसी को कुछ नहीं बताया। पवन रेखा अपने घर पहुंची, अब वो मायके में दो घड़ी भी ठहर नहीं पा रही। मन में वही चिंता लग रही है कि मेरे महाराज क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे वो मेरे बारे में। रानी पवन रेखा ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर जाना है। माता ने विदा किया अपनी पुत्री को। रानी पवन रेखा घर पहुंची, घर पहुंचकर अपने स्वामी के चरणों में शीश नवाया और उग्रसेन से कहने लगी, अपने स्वामी से कहने लगी, महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया महाराज, उस दुर्मलिक ने मुझे छल लिया। महाराज ने बात सुनी तो दुखी हो गई। महाराज ने पवन रेखा को शांत कराया, पवन रेखा तेरा दोष नहीं, परेशान ना हो। पवन रेखा ने कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। समय आगे बढ़ता गया, तभी रानी पवन रेखा ने देखा कि 10 महीने बीत गए,
और 10 महीने जब बीते तो 10 महीने बाद रानी पवन रेखा ने एक बालक को जन्म दिया। और जैसे ही वो बालक पैदा हुआ, उसके पैदा होते ही आंधी तूफान आने लगे, जोर जोर से आंधी तूफान आने लगे, बिजली बहुत जोर से कड़कने लगी आकाश में। वो बालक पैदा हुआ, उग्रसेन को दिया गया। रानी पवन रेखा ने कहा, महाराज ये पुत्र हमारा नहीं है, ये उस दुष्ट राक्षस का पुत्र है, इसलिए इसे ले जाकर कहीं फेंक दीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, फेंक दीजिए इसे। राजा अग्रसेन ने उस बालक को लिया और लेकर घर से बाहर चले गए। उन्होंने उस बालक को एक कलश में रख दिया और कलश में रखकर यमुना नदी में सिरा दिया, यमुना जी में सिरा दिया उस कलश को। और जैसे ही यमुना नदी में सिराया वो कलश, तो कलश सिरते सिरते यमुना नदी के दूसरे किनारे पर लग गया। यमुना नदी के दूसरे किनारे पर राजा सूरसेन बैठे हुए थे और बैठे बैठे जल पी रहे थे। जैसे ही कलश तैरता हुआ आया यमुना नदी के किनारे, तो राजा सूरसेन ने कलश को देख लिया और देखकर हाथ में उठाया, और जैसे ही हाथ में उठाया तो उन्हें दिखाई दिया कि कलश के भीतर एक बालक था। कहते हैं क्योंकि वो बालक कलश के भीतर मिला, कलश में से निकला, इसी वजह से राजा सूरसेन ने उस बालक का नाम कंस रख दिया। उसका नाम कंस रख दिया गया, वो कंस हो गया। और जब कंस इस प्रकार से हुआ तो अब कंस उग्रसेन के पास नहीं है, कंस सूरसेन के पास है। सूरसेन कौन है? सूरसेन वो है जो वसुदेव के पिता है, वसुदेव के पिता है सूरसेन। वहां रहने लगा कंस। धीरे धीरे करके कंस बड़ा हुआ। कंस को पता चला कि मेरे पिता सूरसेन नहीं उग्रसेन हैं, लेकिन उग्रसेन ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। ये जब पता चला कंस को, कंस बहुत नाराज हो गया। और वो अभी छोटा ही है, बचपन में ही वो तपस्या करने के लिए चला गया जंगल में। गहरी तपस्या की उसने, और जब बहुत गहरी तपस्या की, तपस्या करते करते वो युवा हो गया, बड़ा हो गया, तभी भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? कंस ने कह दिया, दुर्भाग्य देखो मेरा कि मेरी माँ पिता ने पैदा होते ही मुझे घर से बाहर फेंक दिया। मैं अब अपने राज्य में पुनः जाना चाहता हूँ, और मैं आपसे एक बात चाहता हूँ प्रभु, कि मुझे अमर कर दो, मैं अमर हो जाऊं, मैं इतना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है, अमर हम तुम्हें नहीं कर सकते, कोई और बात मांगो, कुछ और मांगो। कंस ने कहा, प्रभु देना चाहते हो तो मुझे अपार बल दे दो, बहुत बल दे दो मुझे, मैं ये चाहता हूँ। और हाँ, जब मेरी मृत्यु मेरे सामने हो तो मुझे पता चल जाए, कुछ ऐसा कर दो, मुझे कुछ ऐसा दे दो कि जब मृत्यु मेरी मृत्यु सामने हो तो मुझे झट से पता चल जाए। कहते हैं कि तभी भगवान ब्रह्मा जी ने एक धनुष निकाल कर दिया, एक धनुष दिया, और धनुष लेकर कंस को दे दिया। कहा, लो कंस इस धनुष को रखो, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा समझ लेना तुम्हारा काल उसी दिन आ गया, धनुष ले जाओ। अपार बल दिया कंस को, और बल के साथ साथ धनुष भी दे दिया। धनुष को लेकर कंस पहुंचने लगा अपने घर की ओर। अब वो कंस सूरसेन के पास नहीं जा रहा, अब वो उग्रसेन के पास चला गया, मथुरा नगरी में पहुंच गया। और जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने जाते जाते ही राजा उग्रसेन को, रानी पवन रेखा को जेल में डाल दिया, कारागृह में बंदी बना लिया। और जो भी कोई उनके लिए कुछ कहता है तुरंत ही वो सबको जेल में डाल देता है। सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते जाते हैं और कहते हैं, राजऋषि परीक्षित देखो तो सही अपनी जिंदगी से कितना प्रेम है कंस को, कि वो कंस अपने माता पिता को जो बूढ़े माँ बाप है उन्हें भी परेशान करने से नहीं पीछे हट रहा। वो कंस राजा बन बैठा, अब वो राजा हो गया अपनी मथुरा नगरी का। समय बीत रहा था, तभी एक बार की बात कि कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। वो देवकी कंस के चाचा की बेटी थी। कंस के चाचा है जिनका नाम है देवक, और उन्हीं देवक की पुत्री है देवकी। एक बार की बात कि देवकी युवा हुई और देवकी के
युवती होते ही विवाह की चिंता होने लगी। अब देवक ने कहा कि यदि किसी की नजर में कोई सुंदर पुरुष हो तो आप मुझे बताएं, जिसके साथ पुत्री देवकी का विवाह किया जा सके, उसी के साथ पुत्री देवकी का विवाह कर दिया जाएगा। कोई ऐसा सुंदर पुरुष हो तो बताएं। और जैसे ही कहा तो सबने अपने अपने मन के अनुसार अनेक पुरुषों को बताया, लेकिन राजा देवक को कोई भी पसंद नहीं आया। तभी कंस ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा मेरी नजर में भी एक सुंदर पुरुष है, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं बता दूं। देवक ने कहा, हाँ बताओ ना कौन है। कंस ने कहा कि मैं जानता हूं उन्हें, मैं उनके घर बहुत समय तक रहा हूं, उनका नाम वसुदेव है और वो महाराज सूरसेन के पुत्र हैं। वसुदेव नाम है उनका। उनसे ज्यादा अच्छा, उनसे ज्यादा सुंदर तो बहन देवकी के लिए कोई नहीं हो सकता, तो आप उन्हीं के साथ विवाह कर दीजिए बहन देवकी का। और जब ये कहा तो इस बात को सुनकर देवक प्रसन्न हो गई। और देवक ने प्रसन्न होकर राजा कंस से कहा, कंस तुम सही कहते हो, मैंने वसुदेव की बहुत बड़ाई सुनी है, वो अच्छा लड़का है, उसके साथ ही देवकी का विवाह कर देना चाहिए। देवकी वसुदेव का विवाह तय हो गया। और जब विवाह तय हुआ तो विवाह होने लगा, विवाह सुंदर तरह से पूरा हुआ। वो कंस बहन देवकी से इतना प्रेम करता है कि जब देवकी की विदाई होने लगी तो कंस फूट फूट के रोने लगा। कंस बहुत रोने लगा और चुप नहीं होता, देवकी भी बहुत रो रही है। तभी कंस ने कहा, बहन मैं तुझे अपने रथ में बिठाकर विदा करने ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे बिना यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैं तुझे कैसे अकेला भेज दूं बहन, मैं तुझे अपने रथ में बिठाकर स्वयं लेकर जाऊंगा, कम से कम कुछ समय तक और मेरे पास तू रहेगी, मेरे साथ तू रहेगी। राजा कंस कितना प्रेम करता है बहन देवकी से, उसने अपने रथ में उसे बिठाया और रथ में बिठाकर वो आगे की ओर चलने लगा। देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाकर कंस आगे बढ़ने लगा। और जब आगे बढ़ने लगा तो चलते चले जा रहे थे, वो बहुत खुश था कंस। जब आगे बढ़ते चले गए, चलते चलते आगे बढ़ते गए, तभी जोर की आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया, अरे कंस, ओ कंस ज्यादा प्रसन्न मत हो, अरे कंस ज्यादा खुश मत हो, अरे कंस जिस बहन और बहनोई को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है ना, बड़ी खुशी से ले जा रहा है ना, उसी बहन का आठवां पुत्र तुझे मौत के घाट उतारेगा, उसी का आठवां पुत्र तुझे मारेगा, बड़े खुशी से ले जा रहा है तू। और जैसे ये कहा तो ये सुनकर कंस घबरा गया। अब कंस को कोई बात समझ नहीं आती कि करूं तो क्या करूं, कोई बात समझ नहीं आई। कंस ने कुछ नहीं सोचा और झट से रथ से नीचे उतर गया। उसने रथ से नीचे उतरकर देवकी के बाल पकड़ लिए, देवकी के केस पकड़े और देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे उतार दिया उसे। ये वही कंस है जो अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम। लेकिन जब पता चला कि इसी का आठवां पुत्र मुझे मारेगा तो भयभीत हो गया, डर गया वो और देवकी को मारने की सोचने लगा। ऐसा ही होता है ना, लोग बहुत कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब अपनी जान पे बन आए तो लोग आपको छोड़कर भाग जाते हैं। कोई आपका साथ नहीं देता, सब आपको छोड़ के चले जाते हैं, याद रखना। क्योंकि सबको, हर व्यक्ति को अपनी जान से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं होती, कि हर व्यक्ति को। हाँ, यदि अपनी जान से ज्यादा किसी को कोई प्यार कर सकता है तो जानते हो कौन है वो? वो केवल अपने माँ बाप ही हो सकते हैं, केवल माँ बाप। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो आपको अपने जान से ज्यादा प्यार करता हो, कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। प्यारे माँ बाप अपनी संतान के लिए जिंदगी लुटा देते हैं, अपनी संतान के लिए अपने आप को लुटा देते हैं माँ बाप।
तिल तिल मेहनत करके, एक एक दिन में सौ सौ बार मेहनत करके अपनी संतान का भरण पोषण करते हैं माँ बाप। और एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं होता उनका, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने तो सब कुछ अपने बच्चों को दिया है, मैं इनसे क्या लूंगा। वो केवल आपसे एक इच्छा चाहते हैं कि जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो आप उनका हाथ पकड़ कर ले चलें, जब उनकी आंखें काम न करें तब आप उनकी आंखें बनकर उनके संग दें, जब उनके हाथ काम न करें तो आप उनका हाथ बनकर उन्हें निवाला मुख में खिला दें। वो आपसे ऐसी इच्छा चाहते हैं, और माँ बाप बालक से कुछ नहीं चाहते, इतना चाहते हैं, जान से ज्यादा प्यार करते हैं माँ बाप अपनी संतान से, जान से ज्यादा, और दुनिया में कोई नहीं जितना प्रेम कर सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए अपने देश का, दुर्भाग्य देखिए अपने यहाँ का, कि कुछ लोग उन्हीं माँ बाप को, जो माँ बाप इतने प्यार से पालते पोसते हैं बच्चों को, दिन रोज मेहनत करके अपने घर का निर्माण करते हैं, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, विवाहित हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, तो वही बच्चे अपने माँ बाप को घर से धक्का देकर बाहर कर देते हैं, वही निकाल देते हैं अपने माँ बाप को। कौन से माँ बाप? जो आपसे जान से ज्यादा प्यार करते थे। कौन से माँ बाप? जिन्होंने पूरे दिन रात मेहनत करके आपके लिए रोटियों का प्रबंध किया, वो वाले माँ बाप। उन माँ बाप को आप धक्का देकर घर से बाहर कर देते हो, और वो जगह जगह भटकते हैं, कभी किसी ठेल के पास खड़े हो जाते हैं, कभी किसी नदी के किनारे बैठे मिलते हैं, कभी किसी स्टेशन पर रोती हुई माँ मिलती है, तो कभी घर पर आकर रोती हैं वो, कुछ ना कुछ बात सुनाती हैं वो। कितने दुख का विषय है ये कि जो माँ बाप आपके लिए न्योछावर हो गए, आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, और एक बार जानने की कोशिश नहीं की कि वो मर गए हैं जिंदा हैं, जानने की कोशिश नहीं की, निकाल दिया आपने घर से बाहर। कोई बहू बेटे निकाल देते हैं, किसी की बेटी निकाल देते, किसी का कोई सब निकाल देते, क्या मतलब बनता भाई? कितने माँ बाप ने कितनी मेहनत करी है और आपने पल भर में उन्हें घर से दूर कर दिया। एक बार सोच तो लिए होते कि कैसे कैसे उन्होंने तुम्हें पाला है, कैसे कैसे तुम्हारा पालन पोषण किया है। लोग नहीं सोचते प्यारे, और अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। आए दिन रोज बड़े बुजुर्ग माँ बाप रोड के किनारे मिलते हैं, बैठे हुए रोते हुए, आंखों के आंसू नहीं रोकते उनके, रोज मिलते हैं, रोज फोन आते हैं हमारे पास भी कि दीदी हम बड़े परेशान हैं, देखिए हमारे घर के बालक ने हमें निकाल दिया, हमने किसी और का फोन लेकर आपके पास फोन किया है, हमने सुना है कि आप आश्रम बना रहे हो, तो आश्रम जब बन जाए तो हमें भी एक कमरा दे देना, हम भी अपना जीवन यापन वहां करना चाहते हैं। ऐसे फोन आते हैं हमारे पास भी, माँ बाप जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं। एक अंकल ने फोन किया, बुजुर्ग थे बेचारे, उन्होंने फोन करके कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, चला नहीं जाता मुझसे, लेकिन मैंने आपकी कथा देखी, आपने उसमें अपना संकल्प जो है वो बताया कि आप एक वृद्धाश्रम का निर्माण कर रहे हो, हॉस्पिटल भी बनेगा, तो जितनी जल्दी बन जाए मुझे बताना, मैं आऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा है, मैं परेशान हूँ बहुत, यहाँ पर मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा, मुझे वहां ले लेना, मुझे वहां रख लेना, कम से कम मैं अपनी मृत्यु तो सही से भोग पाऊंगा, सही से मैं कुछ तो भोग पाऊंगा, मुझे बुला लेना। भक्तों, ऐसे ही बड़े बुजुर्ग माँ बाप परेशान रहते हैं, इसीलिए तो मन में ये संकल्प जागा, विचार आया, कुछ सेवा की भावना हुई मन में कि बड़े बुजुर्ग माँ बाप चाहे अपने हो या किसी के भी हो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो तो माँ बाप हैं, उन्होंने हम लोगों को पैदा करके गलती नहीं की, उन्हें कभी ये महसूस मत होने देना कि तुम्हें पैदा करके गलती हम कर गए। प्यार करना उनसे, उनकी उस स्थिति को देखकर ही, उनके दुख भरी बातों को सुनकर ही मन में विचार आया कि आश्रम का निर्माण हो, एक ऐसी जगह मिले, एक ऐसा आश्रम बने जहां पर वो बुजुर्ग माँ बाप जो परेशान हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और जो रहने के लिए परेशान हैं, जिन्हें जगह नहीं मिल रही रहने के लिए, उनके लिए एक आश्रय बने, एक आश्रम बने, और जहां वो अपना जीवन यापन कर पाए, रह सके।
ये मन में विचार आया है और आश्रम के लिए जमीन इत्यादि भी देख भी ली गई है, लेकिन प्यारे बनने में बहुत समय लगेगा। और यदि परमात्मा ने चाहा तो उस आश्रम को बनने में बहुत समय नहीं, जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन बनेगा तभी जब प्रभु चाहेंगे और सबका सहयोग बनेगा। जब सबका सहयोग मिलेगा और हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तब ही जाकर आश्रम का निर्माण हो पाएगा। यदि आप सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, सेवा भाव करना चाहते हैं, तो निवेदन है आप सभी से, भैया जो भी कथा सुन रहे हैं, आप सभी अपने बुजुर्ग माता पिता को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं जैसे दूसरे भी बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा करने का निश्चय कीजिए, उनके नाम से उनके आश्रय के लिए कुछ दान पुण्य कीजिए, जिससे उनके आश्रम का निर्माण जल्दी ही हो सके, जहां वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। ये मन में विचार लाइए, क्योंकि दान करने से धन नहीं घटता, और फिर दान ऐसे को किया जाए जिसको जरूरत है, और उन बुजुर्ग माता पिता को बहुत जरूरत है प्यारे, बहुत जरूरत है। आश्रम के निर्माण के लिए सोचा है, लेकिन आश्रम का निर्माण तभी होगा जब भगवान चाहेंगे और आप सबकी सहायता मिलेगी, तब तभी आश्रम का निर्माण होगा। तो निवेदन है सभी से कि भैया ध्यान रखना और आश्रम के निर्माण के लिए थोड़ा सहयोग राशि देते रहना, ताकि माँ बाप को जल्दी आश्रय मिल जाए। दुनिया का हर व्यक्ति आपसे स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करता है। किसी को आपका धन चाहिए, किसी को दौलत, किसी को आपका तन चाहिए, किसी को आपका मन चाहिए, लेकिन माँ बाप बच्चे से निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग कैसे हैं? लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करते, लोग तो एक को प्रेम किया और एक से कह दिया कि हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जरा लड़ाई हो गई तो दूसरे से प्रेम करने लगे। ऐसा प्रेम है आजकल का तो केवल ऐसा प्रेम कैसा कि पहले कोई व्यक्ति मिला, पहले एक व्यक्ति मिला, अब उसने आपसे कहा कि हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपको। आजकल के लोग कैसे क्या कहते हैं? हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन जिसको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, तभी एक दिन ऐसा आए कि उससे लड़ाई हो जाए, उससे लड़ाई हो जाए, फिर क्या हुआ? पहले तो बड़ा प्राणों से भी ज्यादा प्रेम कर रहे थे, लेकिन हो गई लड़ाई। तभी क्या, चल चल तो निकल, और है और है। फिर दूसरा कोई मिल गया, उससे भी कहने लगे, अरे हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, रह नहीं पाएंगे आपके बिना। लेकिन देखो दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उससे भी लड़ाई हो गई। अब फिर तीसरा मिल गया। ये प्रेम, देखो प्रेम की परिभाषा सुनो कि प्रेम कैसा होता है लोगों को। अरे प्यारे, प्रेम कभी परिवर्तित नहीं होता, एक बार हो जाए सो हो जाए, बदलता नहीं है फिर वहां। लेकिन एक से किया उससे लड़ाई हो गई, दूसरे से किया उससे लड़ाई हो गई, तीसरे से किया उससे भी कह दिया हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। एक बात बताऊं, आपके जो प्राण है ना, उन्हें दिन रोज धन्यवाद बोला करो, अपने प्राणों को दिन रोज धन्यवाद बोला करो, क्योंकि प्राण ऐसे हैं जो आपसे नाराज नहीं होते, प्राण आपसे नाराज नहीं होते। सोच के देखिए, बाई चांस प्राण एक दिन नाराज हो जाए, बाई चांस प्राण एक दिन आपसे नाराज हो जाए, और जैसे ही आप अपने प्रेमी से कहो कि हम आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, और इतने में ही प्राण नाराज हो जाए कि ठीक है तू प्रेमी को पास रख, हम तो चले तुझे छोड़ के, तू प्रेमी को पास रख, हम तो जा रहे हैं तुझे छोड़ के, और तभी प्राण छोड़ के चले जाएं, तो क्या होगा प्रेमी का? फिर क्या होगा? प्रेमी धरा का धरा रह जाएगा ना। तो कभी मत कहना किसी से कि हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, प्राण बढ़िया है, नाराज कमी नहीं होते। बोलो राधे। आजकल का जमाना ये है, लोग बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन सब गलत बात। ध्यान रखना, बचकर रहना ऐसे लोगों से, सावधान रहना ऐसे लोगों से। लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन जब गहराई में जाओ तो कुछ भी नहीं होता वहां प्यारे, कुछ नहीं होता। बोलो राधे।
राधे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राज ऋषि परीक्षित, वो कंस जो देवकी को बहुत प्रेम करता है, अपनी बहन को बहुत प्रेम करता है, वही कंस ने जब सुना कि देवकी का आठवां पुत्र मुझे मौत के घाट उतारेगा, तो कंस घबरा गया, क्योंकि सबको अपनी जान से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। कंस ने दौड़कर उस रथ से नीचे उतर कर देवकी के केस पकड़ लिए और उसके केस पकड़ के बाल पकड़ के रथ से नीचे उतार लिया देवकी को। और जैसे ही नीचे उतारा तो अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारना चाहा, देवकी रोने लगी, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और वसुदेव जी ने कहा, कंस ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारी बहन है कंस, इसे मत मारो। अरे कंस, इसका क्या दोष है, क्यों मार रहे हो इसे? कंस ने कहा, वसुदेव जी क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी कि इसका आठवां पुत्र मुझे मौत के घाट उतारेगा? क्या नहीं सुना? और देखिए, जब मुझे पता ही चल गया है कि इसका पुत्र मुझे मारेगा, तो मैं इसे जीवित क्यों छोड़ू? मैं इसे जीवित अब नहीं छोड़ूंगा।